दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन कैसे आप एक्टिवेट कर पाएंगे, कैसे चालू कर पाएंगे। जैसे कि आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवाए हैं और आप अपना जो मोबाइल बैंकिंग चालू करना चाहते हैं, वर्चुअल डेबिट कार्ड निकालने के लिए या स्टेटमेंट निकालने के लिए या कोई अदर जानकारी आपको चाहिए तो आप अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो कैसे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन IPB आप मोबाइल एप्लीकेशन चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप बताए गए हैं, तो वीडियो को वॉच करना होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर ओपन करना होगा, IPB आपको यहाँ सर्च करना होगा। देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का आपको बहुत ही आसानी से डाउनलोड करना होगा, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना होगा। जैसे आप ओपन करते हैं उसके बाद कुछ अलाउ मांगेगा, अलाउ करने के बाद आपको यहाँ लॉग इन नाउ का ऑप्शन आएगा। इस लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको अपना जो अकाउंट नंबर, कस्टमर ID, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। जैसे कि आपका अकाउंट नंबर, जैसे कि आपके कार्ड पर लिखा होगा अकाउंट नंबर, आपको अकाउंट में एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको कार्ड के नीचे ही आपको कस्टमर आईडी दिया होगा, उस कस्टमर आईडी को एंटर कर देना होगा। आपको कस्टमर आईडी नहीं दिया होगा कार्ड के नीचे, तो आपको 1552 पर कॉल करके आप कस्टमर केयर से कस्टमर आईडी ले सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आप जन्मतिथि जो भी आपका आधार कार्ड में होगा उस जन्मतिथि को आपको यहाँ एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना होगा, जो भी अपना मोबाइल नंबर खाता खुलवाते समय आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर का आपको फिलअप कर देना होगा। पूरी जानकारी आपको सही तरीके से फिलअप करना होगा, एक भी जानकारी आपसे छूटता है, गलत होता है, तो दोबारा से इस एप्लीकेशन को आप एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं पूरा डिटेल फिलअप करके यहाँ नीचे रजिस्टर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से लोडिंग लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा डिटेल फिलअप कर लिया हूँ। उसके बाद आपको अपने MPIN डालना होगा, जो भी आप अपना जो MPIN बनाना चाहते हैं उस MPIN को आपको एंटर कर देना होगा, चार अंकों का। उसके बाद नीचे आपको सेम MPIN एंटर करना होगा जो आपने MPIN ऊपर डाला है, ठीक है, सेम आपको दोनों में एक ही MPIN आपको एंटर कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सेट MPIN पे आपको क्लिक करना होगा। तो जो कि मैं अपना MPIN एंटर कर दिया, उसके बाद सेट MPIN पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेट MPIN पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे कुछ मांगा जाएगा, एड सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको इस सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको क्या डालना होगा पूरा डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, व्हाट इज द फर्स्ट स्कूल डेट यू हैव अटेंडेंट, इस तरह का आपको चार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप अपना आंसर यहाँ टाइप करने के लिए आप कुछ भी इसमें आंसर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख सकते हैं मैं अपना नाम लिख दिया हूँ। आंसर टाइप करने के बाद आप यहाँ क्लिक करके यहाँ से इसे देख सकते हैं आपने क्या टाइप किया है। पूरा जगह पर आपको क्लिक करके इसे अनचेक कर देना होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, कुछ भी आप इसमें नाम डाल चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं। जैसे कि इससे होता क्या है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसके बाद आप दोबारा से मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्टिवेट करेंगे तो आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन मांगा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसमें कुछ भी डाल दिया हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं मैं पूरा डिटेल यहाँ फिलअप कर लिया हूँ। इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना होगा अपने, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना होगा ताकि आपसे आप आगे जानकारी मांगा जाए तो आप उसका आंसर दे सके। उसके बाद अपने यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा, OTP वाला वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। OTP जैसे कि उसी नंबर पर जाएगा जो नंबर आपने बैंक अकाउंट में दिया है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट वाला नंबर आपके फोन में रहना चाहिए जिस फोन में आप एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको अलाउ मांगेगा तो आपको अलाउ पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और आपको सिम इस डिवाइस में, इस मोबाइल में रहना चाहिए तभी आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। देख सकते हैं OTP आया, OTP ऑटोमेटिकली फिलअप हो चुका है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ चुका है मैसेज। उसके बाद आपको यहाँ लॉग इन पे क्लिक कर देना होगा, जो भी लॉग इन आप अपने MPIN बनाए थे उस MPIN को आपको यहाँ डाल देना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपने MPIN यहाँ डाल देता हूँ, जो भी मैं अपने MPIN बनाया था। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आप बहुत ही आसानी से सक्सेसफुल लॉगिन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बस आप इसी स्टेप से फॉलो करके आप अपने यहाँ से डेबिट कार्ड भी देख सकते हैं और भी जानकारी ले सकते हैं इस एप्लीकेशन द्वारा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।